गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला एकांश मिश्रा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू किसी भी लीनियर इक्वेशन को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी एक टर्म में से वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। कैसे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। आपका दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन है एक सेकंड इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें कि इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक टर्म की वैल्यू को निकालना है और उसको उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे इक्वेशन में, मतलब पुट करना है। जैसे हम सेकंड इक्वेशन से लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, y को जब उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस वाई हो जाएगी। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। अब क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई को हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या होगा इन फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे 5 प्लस वाई करेंगे तो 5 प्लस y इज इक्वल प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हुआ। अब 5 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7, तो 2y की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 5। तो 7 माइनस 5 क्या आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 5 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वन को सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। गाइस ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जैसे सेकंड इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं या वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसको सेकंड इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते पहले, फिर उसको पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है या किसी और इक्वेशन में पुट करना है, तब जाके हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। फिर जो वैल्यू मिलेगी उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जैसे वाई इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं, जैसे हम सेकंड इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो यह आएगी। अब तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब जैसे हम कोई और इक्वेशन, जैसे हम एक और इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसमें हमें ये x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, जब उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस 2y हो जाएगा। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, इसलिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते। तो x की वैल्यू 2y आई। अब हमें क्या करना है, इसको सेकंड इक्वेशन पुट करना है, तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या है, 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हुआ। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या करेंगे, 3 टू 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20 तो हुआ। अब क्या करना है, 6 प्लस 4y, y मतलब वेरिएबल सेम है, तो अभी ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 अपॉन 10 जो कि 2 आ गई। तो हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू 2 को हमें फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपकी इच्छा अनुसार आप चाहे जिसमें पुट कर सकते हैं, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ से ईजी रहेगी वैल्यू को निकालना। तो करते हैं, हमने y की वैल्यू 2 निकाला। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देना है। तो कैसे करते हैं, तो x माइनस 2 इंटू और 2 y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल ली। गाइस आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ले
ऐसे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे जब भी आप इसको अपनी फेयर कॉपी या स्कूल की कॉपी में जब भी आप इसको नोट करेंगे तो। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।